सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ लापरवाही करना तो मानो डॉक्टरों ने एक पेशा बना लिया है। जिन डॉक्टरों को धरती पर भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वही भगवान जब मरीजों का सही समय पर इलाज नहीं करते तो मरीजों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल मध्य प्रदेश में भाजपा के एक आदिवासी विधायक सीताराम ने बीते दिनों आरोप लगाया कि उनकी गर्भवती बेटी को जिला अस्पताल में लगभग 12 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। दरअसल इसकी वजह ये थी कि वहां पर डॉक्टर मौजूद नहीं थे। बीते सोमवार को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन वहां पर सीनियर डॉक्टर नहीं होने की वजह से उनकी बेटी की हालत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिस वजह से विधायक ने अपनी बेटी को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया और वहां उनकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया। सीताराम ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में हमेशा डॉक्टर मौजूद नहीं रहते और मरीजों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता, लेकिन सवाल तो यह है कि जब मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है और वहां पर इलाज करने की सभी मशीनें मौजूद नहीं हैं, तो भला वहां के सीएम कमलनाथ क्या सो रहे हैं? सत्ता में आने से पहले उन्होंने प्रदेश की जनता से जो वायदा किया था, लगता है वो वायदा भूल गए। अक्सर सत्ता मिलते ही मुख्यमंत्री से लेकर नेता तक अपने वायदे भूल जाते हैं, लेकिन कमलनाथ सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने प्रदेश की जनता को हर सुविधा दिलाए ताकि जनता को लगे कि उनका सीएम काम कर रहा है। वेब 20 न्यूज़ के लिए राहुल की रिपोर्ट।